सांप को नमक से घेर दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर आपको अपने मरने का दिन पता चल जाए? दुनिया की सबसे मुश्किल एग्जाम कौन सी है? और क्या कभी आपने सोचा है कि ट्रक का एक टायर ऐसा उठा हुआ क्यों होता है और डॉलर का सिंबल एस क्यों होता है? ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को देखते रहना लास्ट तक। नंबर 30, इतिहास में ताजमहल को एक नहीं बल्कि दो दो बार बड़े बड़े बांस के डंडों से कवर किया गया था। असल में सफेद पत्थर से बना ताजमहल रात में साफ दिखता है, इसलिए वर्ल्ड वॉर टू में ताजमहल को जापानी एयरफोर्स के अटैक से बचाने के लिए सरकार ने ताज के गुम्बद को बड़े बड़े बांसों से कवर कर दिया ताकि ताज दुश्मनों की नजरों से बचा रहे। इसके बाद पाकिस्तान के साथ हुई 1965 की लड़ाई के दौरान ऐसा ही किया गया था। नंबर 29, इस वीडियो में इस आदमी ने एक बच्चे को समझाते हुए सांप को एक नमक के सर्कल के अंदर रख दिया, लेकिन सांप बिना किसी डर के इस सर्कल को पार कर गया। मतलब साफ है कि सांपों की स्किन पर नमक का कोई असर नहीं होता। नंबर 28, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई कितनी बड़ी है? अगर नहीं तो जान लीजिए कि क्वीन अलेक्जेंडर बर्डविंग नाम की ये तितली दुनिया की सबसे बड़ी तितली मानी जाती है। तितलियों की ये स्पीसीज अपने पंखों को 9 से 11 इंच तक फैला सकती है। अगर आप इस तितली को देखना चाहते हो तो आपको गिनी के जंगलों में जाना पड़ेगा, क्योंकि तितली सिर्फ गिनी के जंगलों में ही पाई जाती है। नंबर 27, MRI स्कैन की एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि जो लोग रोजाना एक्सरसाइज करते हैं उनका दिमाग उन लोगों से 10 साल यंगर रहता है जो एक्सरसाइज नहीं करते। नंबर 26, आमतौर पर आर्म फोर्सेस माफिया गैंग्स को पकड़ने के लिए हमेशा रेडी रहती है, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के दौरान US नेवी ने दुश्मनों से अपने देश के कंट्री पोर्ट्स को बचाने के लिए माफिया गैंग्स के साथ मिलकर एक ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन को अंडरग्राउंड ऑपरेशन का नाम दिया गया था। नंबर 25, चाइना अपने अजीबोगरीब चीजों और खाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 10वीं सदी के दौरान चाइना में लड़कियों के पैरों की न्यूट्रल ग्रोथ को रोकने के लिए उनसे इस तरह के लोटस शूज पहनाए जाते थे। लोगों का मानना था कि इससे लड़कियां ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। लेकिन जब इस पेनफुल प्रोसेस से लड़कियों की मौत होने लगी तो 19वीं सदी में इस पर बैन लगा दिया गया। चाइनीज लोगों की इस बेवकूफी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 24, इंसानी शरीर एक ऐसी मशीन है जिस पर हर रोज नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में पता चला कि डैक्टिलोसिस पॉन्टिया नाम की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मरीज के पैर का अंगूठा खुद कटकर अलग हो जाता है, लेकिन ये क्यों होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। नंबर 23, आपने अक्सर प्लेज में बड़े बड़े एक्टर्स को एक्टिंग करते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा थिएटर भी है जहाँ स्टेज पर इंसान नहीं बल्कि बिल्लियाँ एक्ट करती हैं? इसे साल 1990 में रूस के यूरी कोकलाशेव ने बनाया था। द मॉस्को कैट थिएटर के नाम से मशहूर ये थिएटर कैट एक्ट के लिए इस प्लेनेट पर एक लौता थिएटर माना जाता है। 21, क्या आप जानते हैं कि अगर अंगूर को माइक्रोवेव में गर्म किया जाए तो ब्लास्ट हो जाता है? साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट में एक अंगूर को दो हिस्सों में काट कर उसे माइक्रोवेव में जब गर्म किया तो उसमें कुछ ऐसा एक्सप्लोशन हुआ। बाद में उन्होंने बताया कि अंगूर में प्लाज्मा होता है जो हीट के साथ रिएक्ट करके उससे स्पार्क निकालता है, इसलिए इसे अपने घर में बिल्कुल भी ना ट्राई करें। नंबर 20, क्या आपने कभी ऐसी म्यूजिक एल्बम के बारे में सुना है जिसे स्पेस में रिकॉर्ड किया हो? अगर नहीं तो जान लीजिए कि साल 2015 में एस्ट्रोनॉट क्रिस हटफील्ड ने अपनी एक म्यूजिक एल्बम रिलीज की थी। हैरानी की बात तो यह है कि इस एल्बम के सभी गाने उन्होंने स्पेस में ही रिकॉर्ड किए थे। नंबर 20, क्या आपको पता है कि इस धरती पर सबसे पुरानी चीज कौन सी है? अगर नहीं तो जान लीजिए कि आज से लगभग 50 साल पहले 28 सितंबर 1969 में ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया के मर्चिस के पास एक एस्ट्रॉइड आसमान से गिरा था। जब बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि इस पिंड की उम्र लगभग 7 बिलियन साल से भी ज्यादा है, यानी कि ये चीज इस धरती पर सबसे पुरानी है, इस धरती से भी ज्यादा पुरानी। नंबर 19, आपने पेड़ों पर चिड़ियों का घोंसला तो देखा ही होगा, पर चिड़ियों को घोंसला बनाने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं मिलती है तो वो ऐसे तारों पर ही अपना घोंसला बना लेते हैं। और ये जो आप तारे देख रहे हो ये मामूली तार नहीं है बल्कि 11,000 वोल्ट के एक पावर लाइन है। नंबर 18, आज बढ़ते ट्रैफिक के चलते दुनिया भर में एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक कम होने से एक्सीडेंट्स नहीं होंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला एक्सीडेंट जिस शहर में हुआ था वहाँ ट्रैफिक जाम बिल्कुल भी नहीं था। साल 1895 में ओहियो शहर में दुनिया का सबसे पहला एक्सीडेंट उस समय हुआ
जब दोनों गाड़ियाँ ओवर स्पीड के चलते टकरा गई। हैरानी की बात तो ये थी कि इस पूरे शहर में केवल दो ही गाड़ियाँ थी। नंबर 17, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा है? इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करने पर आपके सामने दो एग्जाम आएंगे। पहला गाओकाओ। दोस्तों ये एक चाइनीज एग्जाम है जिसे नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम भी कहा जाता है। वही इस लिस्ट में अगर दूसरा एग्जाम है मास्टर सोमलियर डिप्लोमा एग्जाम। ये एग्जाम यूके में लिया जाता है। इसे वाइन निर्देशन के लिए दिया जाता है। इस एग्जाम में 3 सेशन होते हैं और इसके फाइनल सेशन में स्टूडेंट को वाइन पीकर उसका नाम व डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताना होता है। नंबर 16, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अपनी मौत का सही समय पता चल जाए तो क्या होगा? अमेरिका के वैज्ञानिक ने एक रिसर्च में पाया कि जिन लोगों को उनके मौत के बारे में पहले जानकारी मिल जाती थी वे आम लोगों से ज्यादा खुश और पॉजिटिव पाए गए। साइंटिस्ट ने बताया कि जिन लोगों को उनके मौत का समय पहले ही पता था उनका दिमाग आम लोगों से ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स दे रहा था। इसलिए दोस्तों मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप खुश रहिए, चाहे आपको अपने मरने की डेट पता हो या ना हो। नंबर 15, पेड़ों के नीचे ये पेंट क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पेंट करने से पेड़ में इंसेक्ट नहीं लगते और पेड़ के ऊपर वाली लेयर फटने और टूटने से बच जाती है। साथ ही जो पेड़ को कलर किया जाता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जिसका मतलब उसे कोई नहीं काट सकता और जो उसे काटता है उसे पनिशमेंट सहना होगा। और कई बार ये पेड़ व्हाइट रंग होने की वजह से रात को लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और इससे रात में स्पेशली हाईवेज में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नंबर 14, आपने नेचुरल हार्ट के साउंड तो जरूर सुनी होगी, पर क्या आपको पता है कि आर्टिफिशियल हार्ट की आवाज कुछ ऐसी होती है। नंबर 13, क्या आपको पता है कि किम जोंग उन अगर कहीं भी किसी भी जगह ट्रैवल करते हैं तब वो अपने खुद का प्राइवेट टॉयलेट भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनका वेस्ट किसी के हाथों में ना लग सके, क्योंकि अगर किसी को उनका वेस्ट मिल जाए तो वो उनके हेल्थ के स्टेटस जान सकता है। साथ ही ट्रैवल करते समय वो जिस होटल में रुकते हैं उसमें भी उनके एक बार जाने के बाद इतनी अच्छी से सफाई होती है कि अगर दुनिया की टॉप फॉरेंसिक टीम भी सर्च करे तब भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। नंबर 12, आपने रग्बी गेम तो देखा ही होगा, पर इस गेम का एक और वर्जन भी है जिसे अंडर वाटर कुछ ऐसा खेला जाता है, पर इसमें एक टीम में सिर्फ 6 कम्पीटिंग प्लेयर होते हैं जबकि एक रियल रग्बी गेम में 15 प्लेयर्स होते हैं। नंबर 11, दोस्तों आप एक बार इस इमेज में लिखे टेक्स्ट को पढ़ो जिसके सभी वर्ड्स की स्पेलिंग गलत है। आई एम श्योर आप इसे पूरी तरह से सही पढ़ लिए होंगे, राइट? क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पता चला कि अगर किसी को अच्छी से रीडिंग करना आता है तो सिर्फ वर्ड के फर्स्ट और लास्ट लेटर से बता सकता है कि वो लेटर कौन सा है, नो मैटर बाकी लेटर किस ऑर्डर में अरेंज्ड हो। नंबर 10, अब जिस चीज की इमेज अपने स्क्रीन में देख रहे हो वो इस दुनिया का सबसे पहला एटीएम मशीन है जो साल 1967 में लंदन में इंस्टॉल किया गया था। नंबर 9, ये चीज जो आप देख रहे हो वो कोई ड्रैगन नहीं है बल्कि एक फ्लावर है जिसका नाम स्नैप ड्रैगन फ्लावर है, जो किसी ड्रैगन की ही तरह दिखता है ना? पर इस स्नैप ड्रैगन फ्लावर में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह फ्लावर अपने जॉस को ओपन और क्लोज करता है जब आप इसको साइड से जेंटली स्क्वीज करोगे। आपने बहुत सारे चॉकलेट्स तो देखे होंगे, लेकिन आप इस चॉकलेट को देखो। ये ऐसा चॉकलेट है जो कि सोलर सिस्टम के प्लेनेट जैसे दिखते हैं और ये सिर्फ जापान में ही पाए जाते हैं। क्या आप इस चॉकलेट को खाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 7, क्या आपको पता है कि ये ट्रैफिक सिग्नल जो आप देख रहे हो वो इस दुनिया का सबसे पहला ट्रैफिक लाइट है जिसे लंदन में ही साल 1868 में इंस्टॉल किया गया था, और ये जो इसके आर्म्स हैं ये लोगों को रोकने का सिग्नल देते थे। नंबर 6, आपने आज तक काफी सारे टाइप के राइस तो खाए होंगे जैसे बासमती, ब्राउन राइस एक्सेट्रा, पर क्या आप बता सकते हो कि इस दुनिया में कितने टाइप के राइस मिलते हैं? नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि इस दुनिया में 40,000 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप के राइस मिलते हैं। नंबर 5, आपको जान के हैरानी होगी कि एक बार साल 2008 में एक चिंपैंजी जिसका नाम अनजाना था, वो दो बेबी व्हाइट टाइगर जिसका नाम मित्र और शिवा था, वो उन दोनों को लीगली अडॉप्ट करता है और वो उसका
का पेरेंट बन जाता है और उन्हें राइज करने का फैसला लेता है और पूरी केयर के साथ इंसानों की ही तरह उन्हें बड़ा करता है। नंबर 4, साल 2004 में एक स्टडी में पाया गया कि अगर आपने प्लांट को म्यूजिक, स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक सुनाते हो तो वो नॉर्मल से जल्दी और अच्छा ग्रो होता है। तो अगर आपके घर में भी प्लांट है तो ये ट्रिक का यूज जरूर करना। नंबर 3, आप इस व्यक्ति के साथ में ये जो चीज देख रहे हो वो कोई इंसेक्ट नहीं है बल्कि एक चेस बोर्ड है। जी हाँ, ये एक चेस है जिसका साइज सिर्फ 0.6 × 0.6 inches है और इसे वर्ल्ड स्मॉलेस्ट हैंडमेड चेस भी माना जाता है। नंबर 2, क्या कभी आपने सोचा है कि जब ये डॉलर डी से शुरू होता है तो इसका साइन एस क्यों है, डी क्यों नहीं? तो गाइस मैं आपको बता दूं, साल 1770 में ये डॉलर यूनिट स्पेनिश अमेरिकन मर्चेंट अपने ट्रेड में यूज करते थे, तब उसको पेसो के नाम से जानते थे और इसका साइन ऐसा था। और जब एक से ज्यादा पेसों का यूज किया जाता था, जब पेसो के ऊपर एस लिखा जाने लगा, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया लेजीनेस के चलते ये साइन ऐसा हो गया, फिर पी हटा के सिर्फ एस को लाया गया। और जब ये डॉलर अमेरिका गया तब इसका एवोल्यूशन कुछ इस पैटर्न में हुआ। नंबर 1, दोस्तों अगर आपने कभी भी ट्रक और ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा तो आपने ये बात तो जरूर नोटिस की होगी कि ट्रक और ट्रेलर में हमेशा ही ये दो टायर ऐसे होते हैं जो एयर में कुछ ऐसे लिफ्ट हुए होते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इनका यूज क्या होता है? तो गाइस आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि जो एक्सेल इन दोनों टायर को लिफ्ट करता है वो उस ट्रक का ड्राइवर ऊपर और नीचे लिफ्ट कर सकता है, और ड्राइवर इसे तभी हवा में लिफ्ट करते हैं जब ट्रक में लोड कम हो, और जब ट्रक का लोड ज्यादा होता है तब इसे वो डाउन कर देते हैं। इससे ट्रक का फ्यूल भी कम वेस्ट होता है और टायर भी ज्यादा दिन तक चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।